बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लकी न्यूज़ टीवी के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन, अहम खबर देने आपको वज़ीरिस्तान से, जहां 4 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। नाज़रीन, रात के वक्त ऑपरेशन किया गया जिसके नतीजे में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। मज़ीद आपको बताएं, शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके फोर्सेज के ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस हेड ऑपरेशन के नतीजे में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, लकी न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मज़ीद आपको बताएं, पाक फौज के शोभा तालुकात आमा ISPR इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में दरियाए कैटॉक के करीब अस्पन माम के इलाके में गुज़िश्ता रात ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के नतीजे में 4 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। मौजूद को बताएं, ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतला पर इलाके को घेरे में लिया था तो दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग का तबादला हुआ जिसके नतीजे में 4 दहशतगर्द मारे गए। मौजूद को बताएं कि पाक फौज के शुभा तालुकात आमा के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक सिपाही भी मारा गया जिसका नाम सदाम शहीद है, जबकि दीगर 2 पाक फौज के सिपा सलार जख्मी हो गए हैं। अहम खबर दे रहे हैं आपको वज़ीरिस्तान से, जहां 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। ऑपरेशन के दौरान एक पाक फौज का सिपाही भी मारा गया और 2 जवान जख्मी हो गए हैं। शहीद होने वाले सिपाही का नाम सदाम बताया जा रहा है। नाज़रीन, मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ रही है। अल्लाह हाफिज़।